नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के बाहर 7 अगस्त की रात को एक 22 वर्षीय युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बिना नंबर की ऑल्टो गाड़ी भी अब जब्त कर ली गई है। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि झुंझुनू हाल नाकोड़ा नगर निवासी वीरेंद्र सिंह गत रविवार रात करीब 12 बजे ट्रांसपोर्ट नगर के पास चाय की थड़ी पर सिगरेट लेने आया था। यहां उसके भाई के दोस्त योगेश और हरीश पहले से मौजूद थे और इसी दौरान 4 युवक ऑल्टो गाड़ी से चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहे थे। वे चाय की थड़ी पर रुके और उनमें से दुर्गेश नाम के युवक ने गाड़ी से उतरकर सिगरेट ली। सिगरेट लेने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे ही मोबाइल से बारकोड स्कैन करने लगा, तभी वहां खड़े वीरेंद्र ने दुर्गेश को ये कहते हुए टोक दिया कि क्या मेरा वीडियो बना रहे हो, और इसी बात को लेकर दोनों में गहमा गहमी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दुर्गेश के साथ गाड़ी में बैठे बाकी 3 युवक भी बाहर आ गए और वीरेंद्र से मारपीट शुरू कर दी। दुर्गेश ने चाकू से वीरेंद्र के पीछे से वार कर दिया, इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। वीरेंद्र को तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी विनोद लोहार पुत्र दुर्गा शंकर निवासी जोईडा कपासन, गोपाल सोनी उर्फ बिट्टू पुत्र नंदलाल निवासी ताणा चित्तौड़गढ़, दुर्गा शंकर वैष्णव उर्फ दुर्गेश पुत्र गोटूदास, लोकेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच में पता लगा कि घटना के वक्त जो कार इनके पास थी, वह वर्ष 2022 में कपासन थाने में एनडीपीएस मामले में जब्त की गई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 12 अगस्त तक रिमांड पर भेजा है। तारीख की सुबह 4 बजे थाना प्रतापनगर पे सूचना मिली कि एक लड़के की शाम को कोई लड़ाई हुई थी छोटी मोटी बात पे, उसके चाकू मारे गए और उसकी मृत्यु हो गई। एसएचओ प्रतापनगर हिमांशु जी ने अपनी पूरी बताया, अच्छा देखा सूचित किया, तो एडिशनल एसपी साहब और सीओ मैडम की उसके अंदर एक टीम बनाई गई और इसमें हिमांशु जी ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत करते हुए पूरा ट्रेस आउट किया। हमारे पास केवल एक सुराग था कि एक ग्रे रंग की अल्टो कार के अंदर जो वारदात करने वाले 4 लोग हैं वो भागे हैं। इसमें इन्होंने आसपास के पूरे एरिया में पता किया, मुखबिर मामूर की अन्य भी पूरी जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं और बीटीएस वगैरह इन सब का इस्तेमाल करते हुए इनको कहीं से सूचना मिली कि ऐसी कार पिछले साल चित्तौड़गढ़ में एक एनडीपीएस केस में वांछित के पास थी। उनका इन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वो फतेहनगर क्षेत्र के अंदर कहीं पे वो कार खड़ी है। जब ये गए तो इन्होंने पूरी वारदात का सिरे से तफ्तीश करते हुए खुलासा किया। खुलासे के बाद पता चला कि विनोद लोहार, दुर्गा शंकर, लोकेंद्र और गोपाल सोनी ये 4 7-8 की रात को करीबन 12 बजे चित्तौड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सिगरेट लेने के लिए रुके, सिगरेट जहाँ पे लेने के लिए रुके वहाँ पे जो दुर्गेश था, जो इसका मुख्य अभियुक्त है जिसने चाकू मारे, उसने जब पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला तो जो दूसरा युवक खड़ा था उसको लगा कि ये मेरा वीडियो बना रहा है। इस पर उसने उसको टोका कि तुम मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो। इसमें उनकी कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद दोनों का बीच बचाव किया गया, दोनों अलग अलग जाने लगे। इतने में दुर्गेश कार से निकल के दोबारा आया और उसने उससे चाकू वार किया और कार में बैठ के वो लोग भाग गए। तो मात्र उस कार के नंबर भी नहीं थे इनके पास में, कुछ भी नहीं था, केवल एक चिन्ह था कि उस कार के पीछे ऐसे ऐसे बना हुआ था और ग्रे रंग की अल्टो कार थी। उसी पर इन्होंने पूरा प्रयास करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए इस वारदात को खोला और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही जिसने कार को छुपाने में उनकी सहायता करी थी, उनको शरण दी थी भगाने में, उसको भी इन्होंने गिरफ्तार किया। इस तरह से इन्होंने विनोद लोहार, राज वैष्णव, गोपाल सोनी, दुर्गादास और लोकेंद्र सिंह, इन सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, 5 के 5 लोगों को। आपराधिक रिकॉर्ड है जो विनोद लोहार इसके अंदर है, जिसकी कार है वो पिछले साल एनडीपीएस केस के अंदर चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना में पकड़ा गया था और ये कार भी उस घटना के अंदर, उसने जो एनडीपीएस का केस था उसमें भी ये कार का प्रयोग किया था, चाकू से मारा। और इस प्रकरण के खुलासे में भारत सिंह हेड कांस्टेबल, धनराज कांस्टेबल, रामस्वरूप कांस्टेबल और नागेंद्र सिंह राणावत कांस्टेबल की भी विशेष भूमिका रही है।